सांप अब काटे तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना घबराएंगे आपका बीपी बढ़ेगा, अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना, तो जल्दी जल्दी प्रेशर, देखिए ब्रेन में ब्लड जल्दी पहुंचता नहीं है, ये बातें बताई नहीं जाती, बहुत पतली पतली नसें होती है, प्रेशर ज्यादा चाहिए, तो जल्दी जितना घबराएंगे दौड़ेंगे भागेंगे वो प्रेशर से कहां पहुंचा देगा ब्रेन, तो ब्लड को ब्रेन तक जाने से क्या करना है, रुकना है। तो जब कभी आप लोग को सांप काटे तो कुछ ज्यादा उपाय नहीं, ये इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का ये जो ऊपर वाला ये थोड़ है इसको साइड कर दीजिए, जब ये साइड हो जाएगा तो ये बच जाएगा, ये वाला छीन क्या है चाहिए, इसके आगे वाला, अब क्या बच गया, बस ये ठोड़ इसका, अब इससे क्या कर सकते हैं, आप खींचेंगे तो कोई भी चीज खींचा जाएगा, सांप जहां काटता है आपको आइडिया लग जाता है दर्द होने लगता है वहां पे, क्योंकि काटता तो भी दांते की तरह, चूहा काटने में सांप काटने में बराबर दर्द करता है, तो आपको तो आइडिया लग जाएगा, तो आराम से इत्मीनान से पहले उसको धोइए, उस जगह को क्या कर लीजिए धोइए, जब धोएंगे तो उसमें दूठो आपको क्या दिखेगा, दाग दिखेगा, दुगो दाग, तो जहां दाग है वहां इसको अच्छा से सटाइए और खींचिए, जब वहां से खींचेंगे ना तो ये वहां से ब्लड को खींचने की निकालने का प्रयास कीजिए वहां से, तो वहां अच्छा खासा क्या निकल जाएगा ब्लड, तो जब तक काला आ रहा है तब तक निकालते रहिए, अब फिल्म वाला में नहीं, तुम्हें सांप काट लिया हाँ, चूस लो मुंह से, फिल्म में ऐसा होता है, रियल में ऐसा हो जाए तो आप चूसिए अगर छोड़ दिया मर जो ससुरी, समझ आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि हमेशा एडवांस वर्जन पुराना से अच्छा मिलेगा, चलो वो सब फिल्म में होता है, फिल्मी दुनिया में नहीं, क्योंकि मुंह में हमेशा नीनावा या छाले पड़े होते हैं, तो ब्रेन तक ब्लड को पहुंचाने से पता चला ओकरी पैर में काटा है, आप मुंह से इसे चूसेंगे यहाँ पे टच हुआ आइए ब्रेन है, पहले ही मर जाएंगे आप, उठ के देखेंगे चले गए तुम, कोई बात नहीं जाओ। तो आपको इससे क्या करना है, ब्लड को खींचना है, ठीक है, आराम से जितना मन आपको खींचते रहिए, कुछ ज्यादा ही खींच लीजिए ब्लड को, क्या दिक्कत है, एक सिरिंज पर खींच लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, जब खींच लिए उसको नॉर्मल उसको पानी से धोते रहिए, डॉक्टर के पास जाइए कहिए कि देखिए हम ब्लड खींच के निकाल दिए हैं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आई ना कि काट कूट कर ले, काट कूट नहीं कीजिएगा, यहाँ का ब्लड वहां मिल जाएगा, समझे ना, जहां काटा है, सांप का जहर बहुत गाढ़ा होता है, ऊपर वाला बहुत समझदार था, सांप को जहर दिया ना तो इतना ना गाढ़ा दिया कि जल्दी ब्लड में पहुंच ही नहीं पाता है, नहीं पहुंच पाता है, धीरे 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 4 घंटा में पहुंचता है ब्रेन में, 4 घंटा, कितनों जहरीला काटेगा आपके पास कितना घंटा टाइम है, 4 घंटा, और भारत में 450 किस्म के सांप पाए जाते हैं जिसमें मात्र 10 गो जहरीला है, 10 गो जहरीला, इसका मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी 1% भी नहीं है मरने की, तो आपको घबराना नहीं है, घबरा देंगे तो बीपी हो जाएगा, तो जो 4 घंटा में पहुंचने वाला 1 घंटा में पहुंच जाएगा, आराम से जब कभी आपको सांप काटे 90% चांसेज है कि आपको जहरीला सांप नहीं काटा है, इसलिए 90% केस में आपको घबराना नहीं है। किंग कोबरा इन्हें कहां घूम रहा है, किंग कोबरा वगैरह जो घूमते हैं सब, या रसस वाइपर जो घूमता है, ये जंगल में घूमते हैं वहां उनका भोजन मिलता है, वो चूहा उहा का शिकार नहीं करते हैं सब, पनिया सांप होते हैं सब चूहा का शिकार करते हैं, समझ में आ गया नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबसे पहले क्या करना है, खींच लेना है, उसके बाद हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट, जहां पहले फोन से पता करते रहिए किसके पास एंटी वेनम इंजेक्शन है, वो आपको क्या चढ़ाएगा, एंटी वेनम इंजेक्शन, और उसके बाद से नॉर्मल सेलाइन कितना बोतल चढ़ाएगा, 7 बोतल, सोने नहीं देगा आपको 24 घंटा तक, कितनों नींद आए सोना नहीं है, क्योंकि सोए रहेंगे तो कहीं सुतले रह जाएंगे, इसलिए सोना नहीं है, और उसके बाद से 6-7 बोतल आपको सेलाइन चढ़ा देगा, 24 घंटा हो जाएगा आपका काम खत्म।